हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ मतलब होता है किस प्रकार, और आ पर्सन मतलब होता है इंसान, इज मतलब है किस प्रकार की इंसान है, और कौन मैम लुइजेल। तो हमको बताना है कि मैम लुइजेल किस प्रकार की इंसान है। और सेकंड में पूछा जा रहा है कि वाई मतलब क्यों, इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, सी मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, अनहैप्पी मतलब होता है दुखी, वह हमेशा दुखी क्यों रहती थी। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले में बताना है मैम लुइजेल किस प्रकार की इंसान है और दूसरे में बताना है वह दुखी क्यों रहती थी। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है मैम लुइजेल इज अ यंग है, प्रिटी है और सिंपल गर्ल है। तीन विशेषताएं लिखी हैं, यंग मतलब होता युवा, और प्रिटी मतलब होता सुंदर, और सिंपल मतलब होता साधारण। तो मैम लुइजेल कैसी है, यंग है, प्रिटी है और सिंपल गर्ल है। और हु मतलब जो, इज नेवर, नेवर मतलब होता कभी नहीं, और कंटेंटेड मतलब होता है संतुष्ट होना होता है। तो वह कभी संतुष्ट नहीं रहती थी, और कैसे इन लाइफ मतलब जिंदगी में वह कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। क्या लिखा है, हु इज नेवर, वह कभी नहीं रहती थी कैसी, कंटेंटेड मतलब संतुष्ट नहीं रहती थी इन लाइफ, मतलब अपनी जिंदगी से कभी वह संतुष्ट नहीं थी। क्यों संतुष्ट नहीं रहती थी, उसका कारण लिखा है ही हैज मतलब उनके पास क्या थे, बिग ड्रीम्स मतलब उनके पास बड़े बड़े सपने थे। किस चीज के सपने थे, तो लिखा है ऑफ मतलब के, रिचेस मतलब अमीर बनने के, और कंफर्ट्स मतलब होता आराम वाली जिंदगी जीने के सपने थे। क्या लिखा है, ही हैज बिग ड्रीम्स, उनके पास बड़े बड़े सपने थे। किस चीज के सपने थे, रिचेस एंड कंफर्ट्स मतलब आराम वाली जिंदगी और अमीर बनने के बड़े बड़े सपने थे। और वह चाहती थी, तो लिखा है सी मतलब वह, वांट्स मतलब चाहती थी, टू बी मतलब बनना, एडमायर मतलब होता है प्रशंसनीय बनना होता है, वह प्रशंसनीय बनना चाहती थी किसके द्वारा, बाय ऑल मतलब सभी के द्वारा। कहने का तात्पर्य यह है कि वह चाहती थी कि सब उनकी प्रशंसा करें। यह पहले का आंसर हो गया है। सेकंड में पूछा था वह दुखी क्यों रहती थी, तो उसका कारण लिखा है सी इज ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा दुखी रहती थी। बिकॉज मतलब क्योंकि, हर ड्रीम्स मतलब उनके जो सपने थे ना, कैन नॉट मतलब नहीं सके, बी ट्रू मतलब होते हैं साकार, उनके सपने क्या नहीं हो सके, साकार नहीं हो सकते थे, इसलिए वह क्या रहती थी, दुखी रहती थी। क्या लिखा है, हर ड्रीम्स मतलब उनके जो सपने थे ना, कैन नॉट बी ट्रू, वह साकार नहीं हो सकते थे, इसलिए वह दुखी रहती थी।